गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग लॉरेंस फोर्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, इट मींस दैट व्हेनेवर एनी चार्ज पार्टिकल एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड व्हाट विल हैपन। देयर आर फॉलोइंग थ्री कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन इज चार्ज पार्टिकल एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड इन पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन। फॉर पैरेलल डायरेक्शन थीटा 0 degree, फॉर एंटी पैरेलल डायरेक्शन थीटा 180 degree। सो मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स क्यू बी बी साइन थीटा इक्वल टू एफ एम 0, क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स 0 होने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि चार्ज पार्टिकल will move undeviated in magnetic field, means there is no effect of the magnetic field on the charge because Lorentz force becomes zero due to parallel or anti-parallel condition. Second condition है हमारे पास, whenever charge particle enters the magnetic field in परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाई जाती है। ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मैं आपको बता रहा हूं। और दूसरी जो होती है वो डॉट होती है। क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन टू द प्लेन ऑफ पेपर। जो भी आपकी कॉपी का पेपर है उससे डाउनवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो वो डायरेक्शन क्रॉस मानी जाती है। आपके कॉपी के पेपर के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में जो डायरेक्शन है उसको डॉट होनी चाहिए। मान लीजिए पॉइंट ए है, यहां पर ये चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी से आ रहा है। अब देखिए दो चीजें हैं मेरे पास, इसे हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से सॉल्व करेंगे। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपने 10 में पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। द फोर फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एंड द सेंट्रल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। सो द थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दिस इज योर डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज द फील्ड, दिस इज द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल मीन्स करंट, एंड दिस इज योर फोर्स। सो फोर्स विल बी हेयर फॉर पार्टिकल बी, वी इज हेयर, फोर्स विल बी हेयर। सो एट ऑल पॉइंट्स फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, सो इट विल मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ जस्ट लाइक दिस। सो एक सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री, सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री विल बी ऑब्टेन। एज यू नो इन सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड, द सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय लॉरेंट्ज फोर्स। सो हियर सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज एम वी स्क्वायर बाई आर एंड दिस इज क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा इज 90 degree, सो एम वी स्क्वायर बाई आर क्यू बी बी साइन 90। साइन 90 इज 1, एम वी स्क्वायर बाई आर क्यू बी बी, वी से पावर कैंसिल, एम वी अपॉन आर क्यू बी, R equal to mv by qv. This is the radius of the circular path. अब ये time period कितना लेगा? Time period क्या है? एक पूरा चक्कर लेने में समय, time period, as you know, time period is distance upon speed.
What is distance? The total path length in one rotation means 2 pi r. Speed is v, 2 pi by v. Put the value of r, mv by qv. This is your 2 pi m upon qv. Means the time period does not depend upon velocity. This is an interesting fact, that the time period of the charged particle will not depend upon its velocity. Frequency 1 by t, t की वैल्यू रखना, अपोजिट मिल जाएगा. तो ये तीन फार्मूले हैं, इसको याद रखना है. और तीसरी हमारी कंडीशन है, whenever charged particles enters the magnetic field in any direction. सबसे पहले थीटा जीरो लिया, फिर थीटा 90 लिया, अब थीटा कुछ भी ले. जैसे ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है भी, और ये वेलोसिटी इस तरह से आ रहा है. तो ये आपने 11th में वेक्टरों का बांटना सीखा है. इधर v cos थीटा, हेयर इज v sin थीटा. तो हेयर आर टू वेलोसिटी कंपोनेंट्स. v cos थीटा इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड v sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड. v sin थीटा tries to move it on a circular path. Listen carefully. This v sin theta tries to move the charged particle on a circular path, but this v cos theta tries to move on a linear path. मतलब ये linear path पे move कराना चाहेगा, ये circular path पे. वो क्या होगा? As a result of it, a helix will be obtained. So, helical path will be obtained, and the helical path is characterized by pitch, linear distance traveled by charged particle. This is your velocity into time period. Velocity is what? V cos theta. Time period is 2 pi m upon qb. This is your pitch. Thank you very much.